हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल सारयां नूं। सिफत अकैडमी यूट्यूब चैनल विच तुहाडा स्वागत है। PRTC बसां नूं लै के वड्डी खबर निकल के आ रही है, वो तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। नवें जुड़ियों तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो कि हुण मुफ्त सफ़र है जिहड़ा वो बंद होवेगा। सारी तुहानूं अपडेट देण जा रहे हैं। PRTC जनरल मैनेजर सुरिंदर सिंह ने पत्रकारां नूं दस्सिया है कि डीजल दे रेट वधण कारण कारपोरेशन ते आर्थिक बोझ वध रहा है। इस विच सरकार नूं बस का भुगतान करने की तजवीज़ भेजी जा लगी है। पंजाब सरकार वालों हाल ही डीजल दीआं कीमतां 90 पैसे प्रति लीटर वधाईआं गईआं, जिस दे बाद डीजल का प्रति लीटर 88.34 रुपये तक पहुँच गया। तो तुहानूं दस दईए प्राप्त अंकड़ों के PRTC के बेड़े विच समय 1238 बसां चल रही हैं। रोजाना का डीजल खर्चा लगभग 80 लख रुपये है। तो यह हुण डीजल वधण के कारण तो यह खर्चा होर वध गया, जो हर महीने लगभग 24 लख रुपये बनता है। इस तरह पहलां तो आर्थिक तंगी तो जूझते कारपोरेशन लई 24 लख वधे हुए डीजल के खर्चे नूं चुकना पवेगा। तो तुहानूं दस दईए इस समय बस का किराया 1.22 रुपये प्रति किलोमीटर है। वड्डी आर्थिक संकट में PRTC सरकार उत्ते 350 करोड़ बकाया है। इस विच 250 करोड़ औरतों के मुफ्त बस सफ़र दे विच है। इस सहूलत के बदले कारपोरेशन सरकार की तरफ तो जुलाई 2022 तो कोई अदायगी नहीं हुई। तुहानू दस दईए PRTC के GM सुरिंदर सिंह का कहना है कि सरकार इस संबंधी भी गल चल रही है। तो तुहानू दस दईए किराया जिहड़ा वो वध सकदा है, पर मुफ्त सफ़र है जिहड़ा तो वो उस तरह ही चलता रहेगा। उस बारे कोई अपडेट नहीं हैगी। फिलहाल तुहाडे लिए इन्ना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।